हमारे इस क्षेत्र के विधायक और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह रावत जी, पौड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकुमार कोरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष शांति देवी जी और भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी, जिन्होंने बहुत शानदार यहाँ से इतना सुंदर गायन भी किया, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे जिला प्रभारी भाई विजय कपड़वाण जी, जिला महामंत्री शशि रतूड़ी जी, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण सदस्य नरेंद्र डंडियाल जी, मैत्री प्रकाश जी, राजपाल रावत जी, महिपाल नेगी जी, मुकेश कंडारी जी, देवेंद्र भट्ट जी, रंजना बड़ोला जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वेद प्रकाश वर्मा जी, सुमन लता ध्यानी जी, क्षेत्र समिति प्रमुख नीरज पांथरी जी, प्रीति देवी जी, बीकेटीसी के सदस्य पुष्कर जोशी जी, सांसद प्रतिनिधि मनोहर खंतवाल जी, कैप्टन गंगा सिंह जी, प्रवेश सुंदरियाल जी, पातिराम रोंडियाल जी, वीरेंद्र बमोला जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली अंजना वर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य गढ़री वार्ड कुसुम रावत जी, पोखड़ा वार्ड हेमलता रावत जी, सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी मंडल कार्यकारिणी के सदस्य और इस विधानसभा के चारों मंडलों के अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट जी, गणेश रावत जी, प्रभुशरण बुड़ाकोटी जी, ओमपाल बिष्ट जी तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, जो आज आदरणीय महाराज जी बता रहे थे कि आप सब लोग प्रातःकाल 11 बजे से आज यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं एवं हमारे इस जनपद के पुलिस अधीक्षक, CDO, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं और इस विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दशम सिंह नेगी जी एवं सभी शिक्षकगण एवं इन स्टालों पर आए हुए स्वयं सहायता समूह और विभिन्न विभागों के सभी हमारी बहनें, सभी हमारे इन स्टालों का संचालन करने वाले, मैं सर्वप्रथम तो आप सब लोगों ने यहाँ आज पहुँचने पर हम सभी लोगों का यहाँ पर इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं आपका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, पौड़ी गढ़वाल जनपद महर्षि कण्व की तपस्थली, सिद्ध बलि महाराज का पवित्र मंदिर, ताड़केश्वर महादेव, माँ धारी देवी, माँ ज्वालपा देवी, सिद्ध बलि तथा कंडोलिया ठाकुर की ये पवित्र भूमि है। मैं इस पवित्र भूमि को भी हाथ जोड़कर, सर झुकाकर कोटि से नमन करना चाहता हूँ। आज अनेकों योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगी और विकास के नए सोपान यहाँ पर स्थापित होंगे। मैं यहाँ पर इन सभी जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन सभी कार्यदायी संस्थाओं से भी अपेक्षा करता हूँ कि वे इन सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक और क्वालिटी पूर्वक ढंग से करते हुए समय सीमा के अंतर्गत इन सभी कार्यों को पूरा करेंगे। और हमारा प्रयास, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, आप देख रहे होंगे एक तरफ से इतने सारे बोर्ड लगे, अगर मैं इनको पढ़ूं, ये महाराज जी ने कुछ पढ़ा भी है मेरे ख्याल से शॉर्ट में, लेकिन ये काफी लंबा है, 130 करोड़ की योजना है। क्योंकि हमारा प्रयास है कि शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकता है कि ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सरकार विकास परक जितने भी काम हैं, उन कामों के लिए धन की कोई कमी नहीं होनेगी। भाइयों बहनों, आज
इन विधान इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हम विकास के लिए कहीं पर भी न कोई धन की कमी होगी, न साधनों की कमी होगी, न संसाधनों की कमी होगी, ये हमारा संकल्प है। और हमारी सरकार जो वायदा करती है उसे पूरा करके ही लाती है, आप लोगों के लिए उसको लोकार्पण के लिए भी ले जाती है। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, ये मान कर चलिए कि जो योजनाएं आज लोकार्पित हो रही है उनका भी कभी शिलान्यास हुआ होगा, और आज जिनका शिलान्यास हुआ है वो सारी की सारी लोकार्पित होंगी। यानी कि जिन योजनाओं को हमने प्रारंभ किया है, जिन योजनाओं को हमने शुरू किया है, उन सभी योजनाओं को हम लोकार्पण की ओर ले जाएंगे, यानी उन योजनाओं को पूरा भी करेंगे। आप लोगों का ये स्नेह प्यार ये विश्वास का ही होता है कि आज हमारी सरकार निरंतर प्रदेश एवं देश को विकास की ओर ले जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम भली भांति जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी योजनाएं आज विकास की संपादित हुई हैं आज से पहले कभी नहीं हुई हैं। न भूतो न भविष्यति, आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आज योजनाएं कार्यान्वित न हो रही हूँ। आज महाराज जी के नेतृत्व में इस विधानसभा का भी चहुमुखी विकास हो रहा है, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिस क्षेत्र में महाराज जी का प्रयास न रहता हो। महाराज जी और हम लोग सब लोग मिलकर, जहाँ हमारे महेंद्र भट्ट जी प्रदेश के संगठन को और प्रदेश की जनता के बीच में जाने का काम हम सब लोगों का समन्वय एक साथ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं जिस प्रकार से आज सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, आज भारत का वो परम वैभव जिसको हम लोग कभी सोचा करते थे वो परम वैभव पुनः वापस लौट रहा है। आज चाहे हमारे बगल में बाबा केदारनाथ का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्री विशाल हो, चाहे आज हमारा हेमकुंड साहब हो, या जिनकी अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा करी बाबा विश्वनाथ की, काशी की भूमि में बाबा विश्वनाथ की उस भूमि पर काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार से जहां हम सब लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, उत्तराखंड का एक एक बच्चा राम भक्त है और राष्ट्रभक्त है। आज अयोध्या के अंदर लंबे समय से जिसकी हम सबको एक इंतजार था, हम सब लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर वहां पर एक नया स्वरूप ले रहा है, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं विश्व का एक प्रमुख धाम बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, कभी हम सोचते भी नहीं थे। इसी प्रकार से हम अगर महाकाल अगर जाएंगे, महाकाल के अंदर आज महाकाल लोक बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे अनेकों स्थान हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, उन सब स्थानों का पुनर्स्थान हो रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जहां ऐसी चीजें जो योग, हम योग की भूमि में, हम अध्यात्म की भूमि में, हम संस्कृति की भूमि में, भाइयों बहनों योग को भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मान्यता मिल गई है। ये सारा का सारा तभी संभव हुआ है जब आपने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। भाइयों, आपके एक एक वोट की ताकत है कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी से थोड़ी दूर अभी थोड़े दिनों पहले रामनगर के अंदर पूरे विश्व के लोगों ने आकर मंथन किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमको यह अवसर मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कि दुनिया के 20 प्रमुख देश, 9 इनवाइटी देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आकर रामनगर की भूमि पर राउंड द टेबल बैठक करके सारे विश्व के बारे में चर्चा करी। उन्होंने हेल्थ के बारे में, उन्होंने अन्य विषयों के बारे में ठीक प्रकार से वहां पर चर्चा हुई है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है एक साल के कालखंड के अंदर, जहां हमने मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है, उसी के साथ साथ आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। वहीं हमने नई खेल नीति भी हम लेके आए हैं, नई शिक्षा नीति को भी हमने देश के अंदर लागू करने वाला हमारा प्रदेश पहले प्रदेशों की श्रेणी में आ गया है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता, जो पूरे देश की मांग है, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी जो हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपना काम अंतिम चरणों की ओर ले जाने का काम उन्होंने भी पूरा कर लिया है। और कुछ ही महीनों के बाद हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू करेंगे,
जब हम हिंदुस्तान के हम पहले राज्य बन जाएंगे और हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वो राज्य भी समान नागरिक संहिता का कानून लागू करें। धर्मांतरण एक प्रदेश के अंदर एक पाप की तरह हो रहा था, महापाप। ऐसे स्थानों पर लोगों को पता ही नहीं लग रहा था कि धर्मांतरण कब हो गया, कब उनको अपने धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। भाइयों बहनों, धर्मांतरण को लेकर भी हमने कठोर कानून बनाया है और 10 साल तक की सजा का। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अगर कोई भी ऐसा पाप करेगा तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ अभी नकल के बारे में, नकल का कानून हम यहाँ के अपने बेटे बेटियों के हित में लेकर आए। ये काम आज का नहीं है, ये काम बरसों बरसों से चल रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हर बार इसकी शिकायत आती थी, हर बार इसकी आवाजें उठती थी, लेकिन ये नकल नहीं रुकती थी। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब इस नकल पर कार्रवाई करने की बात सोची थी, मुझे पता था कि अगर हम इन पर कार्रवाई करेंगे तो जिसके बारे में महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे, वो लोग आंदोलन करेंगे, कुछ हुड़दंग मचाएंगे, कुछ पीछे से लोगों को फंडिंग करेंगे। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और बेटे बेटियों के भविष्य को बनाना है, तो इसके लिए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी कठिनाई हमको झेलनी पड़े, लेकिन हम इसमें रुकेंगे नहीं। और जो भी नकल के इस गलत काम में, इस अपराध में शामिल है, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे भाइयों बहनों। और हमने 90 से भी ज्यादा, 92 लोग आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। इसके बावजूद भी लगातार आप देख रहे होंगे, कभी पर्चा आउट हो जा रहा था, कभी प्रश्न पत्र का पूरा जो बैंक बनाया जाता था वो बैंक ही लीकेज हो जाता था, कभी पेन ड्राइव पर नकल हो जाती थी, कभी जो पेपर छापने वाली कंपनी थी उसके यहां से ही पर्चा आउट हो जाता था। हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे और इस नकल के कानून में हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी हमने प्रावधान किया हुआ है। और जो परीक्षार्थी पहली बार पकड़ा जाएगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा, पहली बार में 3 साल के लिए डीबार होगा और दूसरी बार में उसको 10 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा। भाइयों बहनों, ये सारे काम हमने केवल और केवल इस बात को ध्यान में रखकर लिए हैं कि उत्तराखंड राज्य का हित किसमें होगा, उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य कैसे बनेगा, उत्तराखंड के ऐसे बेटे बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अवसर मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर एक गरीब माता पिता के पास जो दूध बेचकर अपने बेटे को पढ़ाते हैं, जो अपनी सब्जी बेचकर अपने बेटे को आगे भेजते हैं, छोटी सी जमीन पर कुछ फल लगाकर, कुछ खेती लगाकर उसकी फीस भरते हैं, उसके कपड़ों का इंतजाम करते हैं, अगर उनके पास कोई पूंजी है, कोई धन है, तो वो उनकी शिक्षा है। और उस पर भी अगर चोरी कर जाएगा कोई, कोई डकैती कर जाएगा, कोई लूटपाट कर जाएगा, कोई धोखा कर जाएगा, तो भाइयों बहनों उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे और हमारे बेटे बेटियों का सारा संदेश समाप्त करेंगे, उनके माता पिता का भी संदेश समाप्त करेंगे कि जो बेटे बेटियां जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो आगे आना चाहते हैं, उनके मन में अब कोई संदेह नहीं है। इसके बाद 3 परीक्षाएं आयोजित तो हुई और तीनों की तीनों परीक्षाओं में 3 लाख से भी ज्यादा हमारे बेटे बेटियों ने, हमारे भाई बहनों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया है। और हमने ये भी तय किया है कि जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर हमने जारी किया है, हमने पहले तय किया था कि हम 3 परीक्षाएं फरवरी और मार्च के महीने में करेंगे, उसके बाद हमने तय किया है कि 4 बड़ी परीक्षाएं अब इस माह में होने वाली हैं। और चारों ही परीक्षाओं में हमारे बेटे बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि सारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन खूब तैयारी करें। अब उनको कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो भी परीक्षा होगी अब वो नकल विहीन होगी, पारदर्शिता के आधार पर होगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, वो उनको उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर भी मिलेगा, उनको उसमें चयनित होने का भी अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से देवभूमि का स्वरूप न बिगड़े, देवभूमि के अंदर लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, जिसको देखिए वही उत्तराखंड के अंदर आकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आ जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसको लेकर हमने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। एक तरफ जहां हम इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, स्पेशल जांच का अभियान चलाएंगे, वहीं
वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, ऐसे अनेकों विभागों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कहीं मजार जिहाद के नाम पर, कहीं लैंड जिहाद के नाम पर, किसी और जिहाद के नाम पर। अब यह देवभूमि पर चलने वाला नहीं है। अब देवभूमि की संस्कृति को, देश भूमि, देवभूमि के स्वरूप को हम बिगड़ने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, ये अध्यात्म की भूमि है, ये संस्कृति की भूमि है, ये देवों की भूमि है, गंगा की भूमि है, ये यमुना की भूमि है, ये हमारा प्रदेश चारों तरफ से देवभूमि, वनों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित है। इसका स्वरूप बना रहना चाहिए, ये हिमालय नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ की आबो हवा शांत है, ये शांत ही रहनी चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि सरकारी जमीनों पर जितने भी इस प्रकार के अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों को हम चिन्हित करके हटाने का काम करेंगे। और हमने कहा है, जिन लोगों ने इसके पीछे कब्जे करवाए हैं, वो स्वयं ही उन कब्जों को हटा लें, अन्यथा हमारा प्रशासन, हमारा शासन की जो टीम है, वो उस पर विधि पूर्वक कार्रवाई करेगी। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर विश्वास रखने वाले हैं। हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम किसी कीमत पर तुष्टीकरण को बढ़ावा भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर अनेकों मांगे यहाँ पर महाराज जी के द्वारा प्रस्तावित की है। पहले भी उनके द्वारा बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं। आज उन्होंने जिन कामों को यहाँ पर प्रस्तावित किया है, मैं आज यहाँ से राजकीय डिग्री कॉलेज पोखरा में जो भवन निर्माण है, उसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी, इसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही राजकीय डिग्री कॉलेज बेदीखाल में भवन की मरम्मत तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विषयों की आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूप से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड पावो के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ी गांव में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड बीरोखाल के अंदर राजकीय हाई स्कूल कोठा में 3 अतिरिक्त कक्षी कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। सतपुली के निकट डगलेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्नान घाट व मंदिर का स्थलीय विकास की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। चौबट्टा खाल में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही कन्या हाई स्कूल सतपुली का स्थानांतरण इंटर कॉलेज के मर्ज में करना है, इसको भी आगे किया जाएगा। एकेश्वर बाजार में शिवालय के नीचे क्षतिग्रस्त पुस्ते का निर्माण कार्य कराया जाएगा। और साथ ही नौगांव खाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर चिकित्सकों के आवास नहीं है, उसका एक ट्रांजिट हॉस्टल बनाने का भी कार्य किया जाएगा। इसके अलावा आपके द्वारा बहुत सारे ये जो मुझे प्रस्ताव दिए हैं, मैं इन सभी प्रस्तावों को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और यहां पर जो फैला मेरा सेब का एक बगीचा सड़क से सुदूर है, और सीजनल सब्जी उत्पादन भी यहां होता है। यहां पर सड़क न होने के कारण से इसका वो किया, इसको हिमाचल की तरफ मिनी रोपे की जो आगे भविष्य में उसकी संभावनाओं को तलाशा जाएगा कि किस प्रकार से किया जा सकता है। और आज महाराज जी ने, महेंद्र भट्ट जी ने मुझे जो यहाँ पर हम लोग अभी आ रहे थे, तो आते आते कि हम लोगों ने रास्ते में बात करते हुए ये बात आई कि आज जो लैंसडाउन है, लैंसडाउन का नाम काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार के स्तर से भी कुछ होना है। लेकिन जनरल बिपिन रावत जी, जो हमारी इसी धरती के पुत्र थे, देवभूमि के लाल थे और शौर्य के प्रतीक थे, और एक आप सब जानते हैं, पूरे देवभूमि के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग उनसे लगाव करते हैं। आज सेना में जाने वाला हर नौजवान उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, तो ये लैंसडाउन नगर का नाम उनके नाम से किए जाने की हम लोग जो है, अगर हो सकता है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी इस पर काम हो सकते हैं उसको बढ़ाएंगे। पुनः मैं एक बार आज आप सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग 11 बजे से लेकर इतने समय तक यहाँ पर बैठे रहे, आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और हम सब का जो एक ही लक्ष्य है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सबका जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हर एक भाई बहन को अपना योगदान देना होगा। और हम सब लोग अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने
गंतव्य तक पहुंचेंगे, जो हमारा स्टेशन होगा उस स्टेशन को प्राप्त करेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।